आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज मैं आपको एक दयालु चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम था सिंधु। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए एक घर बनाया था। वह और उसके बच्चे उस घर में रहते थे। अचानक एक दिन आंधी आ गई और बरसात होने लगी। सिंधु चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात को बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से सिंधु चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। सिंधु और उसके बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी सिंधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। फिर सिंधु ने अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाले कौए के घर गई और उसका दरवाजा खटखटाया। तभी चिरकुट कौए ने कहा, कौन है, क्या है? तब सिंधु चिड़िया ने कहा, क्या तुम्हारे घर में मुझे थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश के कारण मेरा घर उड़ गया है, मेरे बच्चे बारिश में भीग गए हैं। तो चिरकुट कौए ने अंदर से कहा, तो मैं क्या करूं? तब सिंधु चिड़िया ने कहा, बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। तो चिरकुट ने कहा कि मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं, अगर मैं दरवाजा खोल दूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वह उठ जाएंगे, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। और चिरकुट ने सिंधु को दरवाजा नहीं खोला। बेचारी सिंधु चिड़िया अपने बच्चों को वहां से लेकर चली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन सिंधु चिड़िया का घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। तब सिंधु चिड़िया ने पूछा, कौन है? तब चिरकुट कौआ बाहर खड़ा था और उसने कहा कि मैं चिरकुट हूँ, मेरा घर बारिश की वजह से टूट चुका है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, दया करके दरवाजा खोलो, आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकने दो। तब सिंधु चिड़िया ने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। यह कहकर सिंधु चिड़िया ने अपने घर का दरवाजा खोला और फिर चिरकुट कौवे ने अपने बच्चों को चिड़िया के घर में सुला दिया। कुछ दिन पहले सिंधु के साथ किए हुए बर्ताव चिरकुट को याद आया और बहुत शर्मिंदा हो गया। फिर वह सिंधु चिड़िया के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो सिंधु, जब तुम इसी हालात में थी, मेरे पास आई थी, तब मैंने तुम्हें मेरे घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाजा खोला था, लेकिन तुमने मेरे बच्चों को और मुझे अपने घर में जगा दी है, मैं तुम्हारा एहसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। तो देखा, हमें सबका भला करना चाहिए, क्योंकि प्यार वह चीज है जो गुस्से और नफरत को भी प्यार में बदल सकती है।